दिवाली का मौसम है, ऐसे में रेलवे की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के जीएम अशोक वर्मा जी हैं। किस तरीके से तैयारियां की गई? देखिए, इस बार जो हमारा छठ और दिवाली का त्यौहार है, इसके लिए हम लोगों ने पिछले साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पिछले साल के मुकाबले में करीब 2 से 3 गुना हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हम लोगों ने इस बार करीब 1,70,000 एक्स्ट्रा बर्थ अवेलेबल कराई हैं, और इस पीरियड के दौरान जो हम लोगों ने लास्ट टाइम 138 ट्रेनें चलाई थी, अब तक हम लोग 195 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, और लास्ट ईयर के मुकाबले में 123 ट्रेनें जो बीच बीच में एक्स्ट्रा अनाउंस हुई थी वो भी इस पीरियड में चलेंगी। तो पिछले साल के मुकाबले में करीब करीब 1.5 गुना हम लोग एक्स्ट्रा पैसेंजर को ले जाने का कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। साथ में जो स्टेशन पे लोग आते हैं उनको हम लोगों ने अनरिजर्व और रिजर्व पैसेंजर को सेग्रीगेट करने का इस बार पहली बार प्लान किया है। और प्लेटफॉर्म पे जैसे पहले लोग चले जाते थे प्लेटफॉर्म पे और फिर ट्रेन के लिए वेट करते थे, इस बार वेटिंग एरिया और होल्डिंग एरिया हम लोगों ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर बनाया है, और अनरिजर्व लोगों को हम लोग एक बाड़े में वहाँ पर रखने का अरेंजमेंट किया है, जहाँ से उनको सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुँचाएंगे ट्रेन आने के बाद, और रिजर्व और अनरिजर्व को अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे जिससे भीड़ नहीं हो। देखा जाए तो छठ और दिवाली के मौके पर रेलवे की जो तस्वीरें हैं बड़ी ही भयावह देखने को मिलती हैं, वैसी तस्वीरें ना दिखे उसके लिए कोई खास इंतजाम? एक तो जो मेन जो दिखता है कि प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मचने का सीन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस बार हम लोगों ने सारी ट्रेनें जो इस पीरियड में पूरी क्षेत्र की तरफ जाएंगी हम लोगों ने 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया है, और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया क्रिएट किया है जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँचे जब तक ट्रेन नहीं आए। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि भीड़ और भगदड़ वाली समस्या नहीं क्रिएट हो, और जो लोग आएँ उनको सुविधापूर्ण तरीके से बैठने के लिए बहुत हम लोगों ने बड़े एरिया में टेंट का और बाड़े का अरेंजमेंट किया है, उनका टिकटिंग एरिया भी वहीं बनाया गया है जिससे कि उनको असुविधा नहीं हो, और कोई मेडिकल अर्जेंसी या उस टाइम में कोई किसी को कोई हेल्थ की समस्या क्रिएट हो हम लोगों ने मेडिकल सेंटर्स वहाँ बनाए हैं जिसको 24/7 हमारे डॉक्टर्स मैनेज करेंगे। एक आखिरी सवाल, विकलांग लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्था है? एक तो जितने भी हमारे स्टेशन हैं सभी दिव्यांगजन फ्रेंडली हैं, सब जगहों पे रैंप हैं और या एस्केलेटर लगे हैं या हमारी लिफ्ट्स हैं। इस बार कुछ लोग हम लोगों ने क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री हम लोग बंद रखेंगे इस पीरियड में, तो अगर कोई विकलांग आता है और उसको कोच तक पहुंचाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो उनको मदद करेंगे उनके कोच तक पहुँचाने के लिए। शुक्रिया। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।